हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मी। और आज मैं आपके साथ पनीर चीज़ बर्गर बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बच्चों की तो सबसे ज़्यादा फेवरेट रेसिपी होती है। और इसकी खास बात ये है कि मैं इसे तवे पर बनाया है। बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी रेसिपी है, इसे ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इन्ग्रीडियंट्स मैंने आपको स्क्रीन पर शेयर कर दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक पैन लिया है जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून बटर ऐड किया है। और मैं यहाँ पर लहसुन के फिर 2 पीसेस ग्रिल करने हैं। अगर आप नहीं खाते तो आप लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड करी है। और अब मैं इसमें कसूरी मेथी क्रश करके डाल दूँगी और इसमें अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स कर लूँगी। मैंने यहाँ पर पनीर के कुछ पीसेस लिए हैं जिन्हें मैं अपनी ग्रेवी में मिक्स कर लूँगी। तो मैं इसमें अच्छे से हमें मिक्स करना है। मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, मेरे रेडी है। अब मैं यहाँ रेड चिली को पानी में 1/2 घंटे तक के लिए भीगने के लिए रख दूँगी। मैंने यहाँ पर बंस लिए हैं, बन के ऊपर मैंने बटर की लेयरिंग कर दी है, उसके ऊपर मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी। और उसके बाद मैं इसमें ऑरेगानोस अपने डाल दूँगी। मैंने यहाँ पर पैन लिया है जिसमें मैं अपने बंस को बटर से अच्छे से सेक लूँगी। दोनों साइड से सेकना है हमें इसे प्रेस करते हुए। अब मैं इसके बेस जो है उसे भी अच्छे से सेक लूँगी। एक बन को सेक चुकी हूँ, अब मैं यहाँ पर दूसरे बन को भी सेक लूँगी। तो मेरे ये बंस बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इन्हें कॉटन के कपड़े से ढक दूँगी जिससे कि इसकी सॉफ्टनेस बनी रहे। मैंने एक बाउल लिया है जिसमें मैंने मेयोनीज ऐड करी है। अब इसमें मैं ऑरेगानोस डाल दूँगी और इसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने यहाँ पर बंस के 2 पीसेस कर लिए हैं और मैं अपने दूसरे बन को भी 2 पीसेस कर दूँगी। मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस में केचप सॉस मिक्स करी है और इसके बाद इसे मैं अपने बन के ऊपर इसकी लेयरिंग कर दूँगी, टॉप बन के ऊपर। और जो मेरा बेस बन था उस पर मैं मेयोनीज़ ऐड कर दूँगी। तो मेरी दोनों बन बिल्कुल रेडी हैं। मैंने वहाँ पर जो पनीर रेडी किया था उसे मैं अपने टॉप बन पर इस तरीके से स्प्रेड करते हुए लगा दूँगी जिससे कि पूरे में लग जाए, पूरे में इसका टेस्ट आए। तो मैंने यहाँ पर पनीर लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर चीज़, ग्रिल्ड चीज़ ली है जिसे मैं मेयोनीज सॉस के ऊपर लगा दूँगी। मैंने यहाँ पर वेजीज में शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज लिए हैं, इसे मैं चीज़ के ऊपर रखते हुए पूरे में लगा दूँगी। तो मेरे यहाँ पर एक बन रेडी है, दूसरे बन में भी मुझे तरीके से लगाना है। तो मेरे यहाँ बर्गर ऑलमोस्ट रेडी है। स्टार्टिंग में मैंने रेड चिली ली थी, उसको मैं कट कर अपने रेड सॉस के ऊपर लगा दूँगी जिससे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें मैं ग्रिल्ड चीज़ के पीसेस लूँगी और इसमें अच्छे से डाल दूँगी जिससे कि इसके चीज़ी बर्गर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही यमी आएगा। तो अब मैं इसमें ऑरेगानोस ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ पर ऑरेगानोस अपने ऐड कर दिए हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसमें मैंने बटर ऐड किया है और अब मैं इसमें सेकूँगी। अपने बंस को जो मैंने रेडी कर लिए थे, आप इसमें बटर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेकने के बाद मैं दोनों को ज्वाइन कर दूँगी, अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन दोनों को। तो देखिए मेरे बंस बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही टेस्टी और यमी हैं, बहुत ही स्पाइसी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इंटरेस्टिंग रेसिपी, लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ, मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।